इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी स्टार्टिंग में? मैंने 6 महीने काम किया, 6 महीने मजे किए, यही कमाई हो जाती होगी ये जो सिल्वर काम। और जिन्होंने मुझे सेल किया, फिर उसी लड़की को मैंने शॉप पे काम पे रखा था। जो वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ है मेरे स्पेशल गेस्ट पाकिस्तान से शाकिब भाई। तो शाकिब भाई एक बार हेलो बोल दीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स को। हेलो, तो सब बढ़िया मजे मस्ती में वीडियोस देखते हैं। और यहाँ पर ये वीडियो हम लोग इसलिए बनाते हैं शाकिब भाई, ताकि इंडिया और पाकिस्तान में जो अपने भाई बैठे हैं और दोस्त हैं, उनको एक आइडिया लगे कि विदेश में जिंदगी कैसी है, क्या यहाँ पर इतनी कमाई होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं रियलिटी बताता हूँ बिल्कुल, जो जैसे आपसे अभी हमारी मुलाकात हुई। तो मैं यहीं पर आया था फ्रूट्स के लिए, और भाईजान की यहाँ पर अभी फ्रूटेरिया बोलते हैं, यहाँ पर फ्रूटेरिया बोलते हैं, फ्रूटेरिया शॉप है, फ्रूट्स की वेजिटेबल्स वगैरह सब यहाँ पर मिलता है। तो आज हमें भाईजान ही बताएंगे कि यहाँ पर जॉब का मार्केट कैसा है, कितना आप एक अर्न कर सकते हैं यहाँ पर, और कैसे इनकी जर्नी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इन्होंने मतलब ये इनका थर्ड बिजनेस है, राइट भाईजान? तो तीसरा बिजनेस है ये इनका, और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं उसमें, वो बिजनेस में आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, हाँ, वो लगा रहता है बिजनेस। तो भाईजान सबसे पहले आप एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैं तकरीबन 16 साल का था जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं फैमिली वीजे पे आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। तो 16 साल में आप यहाँ पर आ गए थे? जी, तकरीबन 16 साल का था मैं यहाँ पे। तो कौन सा ईयर होगा वो? ईयर 2010 में, 2010 में आप आ गए, तो अभी 2020 में, मतलब 11 साल हो गए आपको यहाँ पर तकरीबन। तो जब 2010 में आए थे आप, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर क्या करते थे? उस टाइम जब मैं आया तो मेरे वालद साहब थे यहाँ पे, काम वगैरह करते थे, तो मुझे स्पेशली कोई ऐसा खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैच्योर नहीं था मैं, बच्चों वाली यही थी, बच्चों वाली यही थी, कोई टेंशन नहीं थी खाने पीने की, पैसे खर्चे की कोई ऐसा इशू नहीं था। फिर जैसे जैसे सोच आई, काम स्टार्ट किया अपना, सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट किया, जो हमारे यहाँ पे ज्यादा इंडियन पाकिस्तानी भाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सीजन होता है फ्रूट्स का। अभी जो नेक्स्ट आएगा, अभी तकरीबन ऑरेंज माल्टे का चल रहा है सीजन। अच्छा, तो नेक्स्ट जो अभी आएगा वो सेब, आड़ू, पीचेस वगैरह सारा कुछ उसमें जो है। अच्छा, सीजन वाइज ये लोग ग्रो करते हैं? जी, सीजन वाइज वो ग्रो करते हैं। तो फिर मैंने वो काम स्टार्ट किया उसमें से, तो वो तकरीबन मैंने 4-5 साल वो काम किया। तो मतलब ये 2014 तक आपने ये काम किया? तकरीबन 2014 तक, 2016 तक मैंने काम किया। और उसमें वो मैंने काम स्टार्ट किया 2010 में मैं आया था, 2010 तकरीबन अगस्त में मैं आया था। फिर 2011 मैंने कोई काम नहीं किया, 2012 से मैंने काम स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 2016 तक तकरीबन मैंने वो काम को कंटिन्यू किया। मैं सिर्फ सीजन वाइज काम कर रहा, 6 महीने काम किया, 6 महीने मजे किए। बस वो ही था उसमें। वालद साहब मेरे जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, अल्लाह ताला उनको ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। वो जो मैंने नुकसान किए हैं बिजनेस में, जो भी किया, उन्होंने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि तुम यार क्या कर रहे हो। तुम उन्होंने बस कहा कि ठीक है, कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, नुकसान कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, अर्न कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, सीख रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जर्नी रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन भी आए हैं, तो बस ठीक था। तो जब उस टाइम पर अभी भी वो काम करते हैं इंडियन पाकिस्तानी या कोई कोई? बहुत ज्यादा, अभी भी, अभी तकरीबन नेक्स्ट मंथ को शुरू हो जाएगा काम वो। अच्छा, तो अक्टूबर तक चलता है काम ना। अच्छा जी, सीजनल वर्क वीजा पे जो लोग आते हैं वो वही रहता है क्या सीजनल वाला? जी, लेकिन अभी वो आई थिंक वो बिजनेस बंद हुआ है, वो नहीं दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बड़ी स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। गवर्नमेंट स्पेन का भी जो मसला चल रहा है ना, स्पेन आस्था से क्राइसिस में जा रहा है दोबारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसकी कोविड की वजह से। और ये इनकी तरफ से जो पहले प्रेफरेंस है वो अपने लोग हैं, स्पेनिश गवर्नमेंट की प्रेफरेंस है वो अपने लोग हैं, कि स्पेनिश लोग जो ये काम करें, जो काम इनको मिले, बाहर से जो लोग आते हैं उनको थोड़ा इन्होंने स्टॉप करवाया। अच्छा अच्छा जी, तो इसमें कितनी कमाई हो जाती होगी ये जो सीजनल काम है? सीजनल काम जब सीजन होता है अच्छी कमाई हो जाती है, तकरीबन आपकी अभी जो काम चल रहा है ना, अभी जो रेट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, ठीक है, वो कह रही है कि वर्कर को ज्यादा बेनिफिट्स दो, उसमें तकरीबन 1000 प्लस आपकी जो है ना वो सैलरी बन जाती है यूरोज में। और उसमें टैक्स वैक्स कटता है अलग से या टैक्स जो कटने के बाद? नहीं, जो ऑनर होते हैं टैक्स वो आपका पे करते हैं, आपकी जो 80-100 यूरो जो है ना वो आपका टैक्स जाता है। और कितने घंटे का काम रहता है उसमें? वो जो हमारा जो लीगल काम है ना वो तो 8 घंटे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा। वो फिर यहाँ पे 8 घंटे कौन करता है, सीजनल काम होता है, बड़ा ही देते हैं वो 10 घंटे तकरीबन। मैं तकरीबन 14-15-16 घंटे भी काम करता रहा हूँ। क्या बात है, 16-16 घंटे भी मैंने काम किया।
तो वो एक सीजन होता है उसमें ठीक कमाई हो जाती है, अच्छा अर्न कर लेते हैं लोग। चलिए तो ये जो काम आप भाईजान ने बताया कि ऑरेंज ये प्लग करना रहता है, ऑरेंज निकालना, प्लग करना, पानी डालना, ऐसा कुछ थोड़ा सा काम प्लग करने का, प्लग करने का, ऑरेंज प्लगिंग, एप्पल प्लगिंग, ये सब काम में 1000 यूरो मतलब बनते हैं यहाँ पर सीजनल में। ये सीजन सीजन के काम, ये हर साल नहीं रहते, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं ना। पहले प्लगिंग में आता है, फिर उसको बेचते हैं एक फैक्ट्री में बेचते हैं, वहाँ पे वो उसकी धुलाई होती है, सही है, वो अलग अलग लोग होते हैं, अच्छा, जो उसकी पैकिंग करते हैं वो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, वो स्टेज स्टेज वाइज। चलिए तो पहले तो आपने मतलब 4 साल ये जॉब करी है, तकरीबन 4 साल में जॉब करी है। फिर उसके बाद क्या करा 2016 में? 2016 में मेरा जो टर्निंग पॉइंट था ना, मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे, सैयद हैं वो, नाम है उनका, मैं मेंशन करता हूं। हम पाकिस्तान गए थे दोनों इकट्ठे ना, अच्छा, वो उनकी शॉप थी, वो अपनी शॉप बंद करके गए थे पाकिस्तान। अच्छा, उनकी यहाँ पर शॉप थी? शॉप थी उनकी, जो हमारा जो गांव है ना उधर उनकी शॉप थी, शॉप बंद करके गए वो। तो जब वो वापस आया ना, फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि वो दोबारा रीओपन नहीं कर सके उस शॉप को। अच्छा, और उस शॉप से हमारी बड़ी दिल लगी थी, क्योंकि हमारे हम सारे दोस्त जाते थे उनके पास बैठते थे। जैसे मैं अभी बहुत देर से आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब विदेश में कोई पाकिस्तान हिंदू मतलब एक भाषा करने वाले बात मिलते हैं। बिल्कुल। तो वो फिर कुछ ऐसे मामलात हो गए, उनको वो दुकान सेल करनी पड़ गई, वो नहीं थे उसको ज्यादा लेके चल सकते ना। अच्छा, कंटिन्यू नहीं कर। तो वो मुझे अंदर से बड़ी एक, क्योंकि जो भाई होता है जिसके साथ आपकी सच्ची फीलिंग्स होती हैं, फिर आपको उसके लिए बुरा लगता है कि यार ये इतने अच्छी शॉप थी ये क्यों बेच रहे, और शॉप बिल्कुल वो जो ना उसको सस्ते में बेच रहे थे। अच्छा अच्छा, जी जी। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा शायद बात ऐसी है कि आप शॉप ना बेचो, आपको मैं कुछ पैसे देता हूँ, बल्कि ये बात उन्होंने मुझसे की थी ना, मैंने कहा शॉप आप ना बेचो। कहते हैं फिर ये है कि आप मुझे थोड़ा स्टैंड दिलवाओ, आप मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ। अच्छा जी। उस वक्त मेरे कुछ सच्ची बात बताऊं हालात ऐसे थे कि पैसे मैं कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं। सही है। पाकिस्तान से मैं आया था, वो भी आए थे पाकिस्तान से। फिर मैंने अपने वालद साहब से बात की, मैंने कहा ऐसा है तो अभी आप बताओ इसमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा वसीम भाई है मेरा, मैं नहीं चाहता कि वो इस शॉप को सेल करे या कोई और इस शॉप पे आए। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं ठीक है, सही है, उनको बोलो कि आप जाओगे उनके साथ पार्टनरशिप में, ठीक है, वो पैसे जो है आपको वो मैं दूंगा। वो बड़ी खुशी हुई, मैंने उसके बाद फोन किया उनको, फिर वो पैसे उन्होंने मुझे दिए वाले साहब ने, मैंने वो औलाद को ना हमने कुछ सामान वगैरह डाला, हमने काम तो लाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा काम चल गया। फिर वो जो सारी बात थी क्रेडिट वाली, हमारा क्रेडिट जाता रहा, कुछ हमारा सही काम स्टेबल नहीं हो सका वहाँ पे। अच्छा अच्छा। फिर हम काफी उधर क्रेडिट के नीचे लग के हमने वो शॉप बंद कर दी, दो साल बाद हमने वो शॉप बंद कर दी। अच्छा, वो काई की शॉप थी? वो शॉप यही थी सारा, जैसे ग्रोसरी स्टोर नहीं होता, ग्रोसरी स्टोर उसमें हम गोश्त वगैरह भी सेल करते थे। अच्छा अच्छा। वो शॉप हमें बंद करनी पड़ी, लेकिन बंद करने से पहले हमने एक दूसरे सिटी में एक और शॉप ओपन कर ली। अच्छा, तो दूसरा बिजनेस प्लान रेडी था उसके लिए, क्योंकि फिर हम में से एक बंदा उधर चला गया, एक इधर रह गया इस शॉप पे बंद करने तक ना। मैं शॉप पे आ गया, हमारे वो जो शाह जी हैं आज मेरे भाई हैं, वो फिर उधर चले गए ना। तो हमने फिर इस शॉप को बंद करके हम उस शॉप पे चले गए। उस शॉप में हमें अच्छा काम दिया, अच्छा प्रॉफिट था, सब कुछ बड़ा जबरदस्त चल रहा था। फिर वो थोड़ा सा मसला ऐसा हो गया कि हमने वो बेएहतियाती शुरू कर दी उसमें ना, कि वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं कोई नहीं। आगे फिर उसके बाद क्या किया? वो सेल किया, फिर उसके बाद मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा कुछ टाइम के लिए, फिर मैं पाकिस्तान चला गया। तकरीबन एक महीना कुछ हमारा पर्सनल मैटर था उसको सॉल्व करना था। पाकिस्तान जब वापस आया तो फिर मैं इस सिटी में आया, सारागोसा में। इस सिटी में शुरू करना चाहता है, देखना चाहता है कैसा सीन है क्या है। इधर काम शुरू किया, पहले ये शॉप ओपन की। अच्छा। फिर उसके बाद एक और सेकंड हमारे सेंटर में वो ओपन की। अच्छा। तो फिर अल्लाह का शुक्र है हमारा ठीक जा रहा है। तो अब भाईजान की दो दो शॉप है, और मतलब पहले दो बार ये फेल हो चुके हैं इनके बिजनेस में, लेकिन दूसरा वाला प्रॉफिटेबल था, ठीक था, प्रॉफिटेबल था। तो इतना मतलब फेलियर से उभर के आज यहाँ पर आया, और अब एक से इनकी दो शॉप हो गई है। तो स्ट्रगल बंदे को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं अभी खुद को सक्सेसफुल आदमी नहीं मानता, अभी मैं स्ट्रगलर हूँ, अभी तो बहुत करना है, अभी बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं आधे रास्ते में, हिम्मत हार के नहीं यार हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। अभी 4 साल हो गया मुझे, 4 से 5 साल हो गए तकरीबन मुझे इस फील्ड में, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं आ रहा, शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक है, सही है। और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मतलब 1 घंटा हो गया मेरे को करीबन यहाँ पर, तो हम बहुत देर से बात ही कर रहे थे, तो काफी अच्छी इनकी शॉप चलती है। और इनको शुरू में पहले बोला गया था ये थोड़ी सी स्मॉल स्ट्रीट है,
है ना, तो यहाँ पर जो मना किया था आपको, मुझे काफी लोगों ने मना किया था कि यहाँ पे शॉप ना बनाओ क्योंकि ये इतना ये पॉइंट सेलिंग पॉइंट नहीं है इतना कि आपको यहाँ पे नुकसान होगा, लेकिन मैंने नहीं सुनी कि मुझे अपना नजर आ रहा था, मैंने कहा इस पे मेहनत करूंगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक है फिर हमारा अच्छा डिसीजन ले लिया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसमें ना, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और यू नो गाइस क्या हुआ था, ये जो शॉप पहले थी ये पहले भी फ्रूटरी ही थी, मतलब ये फ्रूट्स की शॉप ही थी और उन्होंने इन्हें सेल करी, तो पहले वो चल नहीं रही थी और इनके आने से वो चलने लग गई, और जिन्होंने मुझे सेल किया फिर उसी लड़की को मैंने शॉप पे काम पे रखा था जो पहले वर्क इस शॉप की ओनर थी, फिर वो मेरी वर्कर बन के इस शॉप पे उसने काम किया, तो ठीक है इंसान जब मेहनत करता है तो फिर जब बंदा मेहनत करता है तो मेहनत का फल उसको मिलता है, और इनकी एक ही बात अच्छी लगी कि पेशेंस रखनी पड़ती है, पेशेंस बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है कारोबार में, बिजनेस में पेशेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। और कितने जन आपने इस शॉप में कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी स्टार्टिंग में? मैंने तकरीबन 12,000 यूरो इसमें इन्वेस्ट किया था, 12,000 यूरो तो जो मेरे हिसाब से मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया था, अगर बंदा समझने वाला हो ना तो उससे कम में भी काम हो जाता है ऐसा। और जो सेंटर में शॉप से उनका कितना इन्वेस्टमेंट होता होगा? सेंटर में हमारा इस हिसाब से थोड़ा होगा, सेंटर जो सेंटर में शॉप थी ना वो इस शॉप से मरा थोड़ा हुआ है, वो उधर भी तकरीबन 12,000 यूरो हमारा इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए सेंटर को यहाँ से तो वो फिर हमारा कम हुआ है, ऑफ कोर्स वो कम है क्योंकि वो सेंटर में है, और उधर भी हमारा अगर 12,000 इन्वेस्ट हो रहा है और इस शॉप पे 12,000 इन्वेस्ट हो रहा है तो वो कंपेयर करें तो वो हमारा कम होगा फिर, वो कम होगा, वो कम होगा क्योंकि वो सेंटर में है। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर रेंट कितना है आपकी शॉप का? मेरा 320 यूरो। और सेंटर में कितना रहता है शॉप का? जब वो सेंटर में हमारा शॉप का जो 900 यूरो रेंट है उसका, 900 यूरो काफी ज्यादा है सेंटर में, तो ऐसा है कि सेंटर में थोड़ा सा महंगा रहता है और इस साइड पर थोड़ा सा सस्ता रहता है, और मैं भी हम यही बात कर रहे थे कि यार 300 यूरो सही है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कितना आ जाता होगा? तकरीबन इस शॉप का मेरा आ जाता है 2 महीने का, अगर आप उसको आप महीने एक महीने पे डिवाइड करो तो वो 100 यूरो आ जाता है, 100 यूरो मतलब 300-400 और 100 यूरो और एक्स्ट्रा मान लो 500 यूरो तो अपना मतलब निकालना ही हमें, बाकी उसके बाद टैक्सेस वगैरह। एक कोई आपकी शॉप है ना, अगर आपके पास वर्कर है, वर्कर रख के आपकी शॉप तकरीबन 2,000+ जो है ना वो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके, अच्छा। जो आपने वो पे करने के होते हैं, उससे ऊपर जो आएगा वो आपकी अर्निंग होगी या बजट होगी। अच्छा, तो भाईजान का वर्कर भी थे वो, अभी कोविड के कारण जो है वो उसको थोड़ा हमें, तो वो वीकेंड्स पर आते हैं, वो वीकेंड्स पे आती है। तो ऐसा है कि अगर यहाँ पर शॉप खोलना है आपको, ये तो देखो 300 यूरो रेंट वाली थी, तो इसके लिए भी आपको करीबन 2,000 यूरो तो कमाने ही पड़ेंगे अगर आप किसी वर्कर को भी रखना चाह रहे हो साथ में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए, पेशेंस जो है वो सबसे लाजमी चीज है, सबसे लाजमी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो करना ही पड़ता है। अभी कोविड में काफी हमारी यहाँ पे शॉप बंद हो रही है, बंद हो भी गई है क्योंकि लोग नहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, सही है, जितने अखराजात वगैरह वो उनको नहीं मिल रहा जितना उनको चाहिए, तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप कितनी सैलरी देते थे आपके एम्प्लॉयर? मैं जो मेरी एम्प्लॉय थी उसको मैं 1,200 यूरो देता था, 1,200 यूरो उनको देते थे, तो यही मैं प्राउड फील करता हूँ कि यार पाकिस्तान इंडिया के लोग आज इनको अपॉइंट कर रहे, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। 1,200 यूरो देते थे इनके जो एम्प्लॉई थे उनको, तो भाईजान यहाँ पर हालात कैसे अभी ये COVID-19 सिचुएशन के कारण? अभी COVID-19 सिचुएशन के कारण हालात यहाँ पर काफी टाइट हो चुके हैं, ऐसा टफ सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये मेरा ख्याल, मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि बंदे के पास एक एक्सक्यूज है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, काम मिल जाता है, यहाँ पे आपको 50 यूरो एक दिन का मिलता था, मे भी आपको 20 मिले, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपके पास खाने के लिए होगा, आपकी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, ये बात तो सही है, ठीक है, तो काम अगर ढूंढे तो काम तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं पे, लेकिन वो आपको मार्जिन नहीं मिल सकेगा जो कभी मिलता था यहाँ पे। हाँ, वो अभी तो कहीं किसी भी देश में नहीं मिल पा रहा है, वो मार्जिन नहीं आपको मिल सकेगा, जॉब मिल जाती वही बहुत अभी फिलहाल, तो स्पेन के फिलहाल जो अभी जो प्रेजेंट आप हालात देखे ना वो टफ चल रहे हैं, अच्छा कोविड की वजह से टफ चल रहे हैं, क्योंकि स्पेन पहले क्राइसिस में था, बाद में काफी बेहतर हो गया था, बहुत ज्यादा स्पेन के हालात बेहतर हो गए थे, फिर जैसे ही कोविड आया तो कोविड के अभी जो अभी असरात है ना उसके, वो हमें नेक्स्ट कुछ मंथ में नजर आएंगे, अच्छा। अभी नॉर्मल चल रहा है, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना जिसको हम बोल रहे हैं कि बड़ी बुरी हालात है, ये अभी नॉर्मल चल रही है, अभी जो बुरे हालात है वो आएंगे नेक्स्ट, अच्छा ऐसा, वो आने वाले हैं, तो अल्लाह ताला हमें नासिर है सबका, इंशाल्लाह बेहतर होगा, कोई मतलब नहीं बात है, तो चलिए ये भी सही है, तो हालात अभी थोड़े से बिगड़े हुए हैं, लेट्स होप कि सारी चीजें ठीक हो जाए, और जैसे यहाँ पर जैसे मैं खुद ही हूँ, मुझे स्पेनिश नहीं आती और मुझे जॉब ढूंढना हो तो फिर तो मुझे प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे जो जॉब के लिए आपको स्पेनिश लाजमी है,
अच्छा जो ज्यादा ना आती हो हाँ। आपको सिर्फ जो उसके जो प्रिंसिपल है ना जो बेसिक लेवल की होती है वो अगर आपको आती हो स्पेनिश तो आप ठीक है काम चल जाए क्योंकि ये जो लोग हैं स्पेनिश इंग्लिश बहुत कम जानते हैं। अच्छा बहुत कम जानते हैं तो अगर आपने एग्रीकल्चर वाला काम करना है वहाँ पे आपको स्पेनिश ना भी आते हो तो नो इशू। आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बनाता हूँ फिर आप उसके वाइंड अप कर सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया था नया तो वाला साहब मेरे काम पे जाते थे उस वक्त मैं नहीं था जाता मैंने बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवाया तो मैंने कार्ड अप्लाई करना था जो डेबिट कार्ड ही होता वो अप्लाई करना था तो मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे साथ बैंक में जाए। एक बंदे के मैंने काफी उसको समझ लो कि मैंने उसकी मेहनतें की यार मेरे साथ चलो बैंक ना वो काफी नखरे वखरे करके तो मेरे साथ गया उसने दो वर्ड्स बोले हमारा कार्ड अप्लाई हो गया फिर मुझे वो बात बड़ी फील हुई कि मैंने कहा यार ये काम ठीक नहीं है कि हर बंदे की मेहनतें करो हाँ। उससे बेहतर है कि मैं मेहनत करूं तो मैं कुछ ना कुछ स्पेनिश सीख जाऊं। सही है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करना शुरू की जुबान समझना शुरू की मैंने सारा अपना जोर इस पे लगा दिया। अच्छा। और मुझे याद है उस बंदे की बात के कुछ तकरीबन 7-8 महीने बाद वही बंदा मुझे फोन करके कहता है यार फलां दफ्तर में जाना है हाँ। मेरे साथ चलो मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने बोलना क्या है वो क्या बोले मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसके साथ गया मैंने कोई नखरा नहीं किया ना कुछ किया मैं उसके साथ गया मैंने कहा उसने मुश्किल वक्त में जैसे मेरी हेल्प की उसने की मैं गया तो ये सबसे जो लाजम यहाँ पे चीज है ना अगर आपको स्पेनिश आती है ना तो ये नहीं कि स्पेनिश किसी भी आप कंट्री में जाओगे वहाँ पे जो बेसिक है वो आपको तो उससे आपको काफी फायदा होता है। तो बस यही तो कितने टाइम लगा था आपको ये लर्न करने में मैंने तकरीबन साल में स्पेनिश सही फ्लो में बोला एक साल में मतलब आप सीख गए थे तो 6 महीने में बेसिक तो सीख सकता है बेसिक तो बंदा सीख सकता है। चलिए ये बहुत ही अच्छा आज कन्वर्सेशन हुआ है हमारे साथ और बिजनेस खुलना टफ है क्या स्पेन में इजी है बाकी कंट्रीज की निस्बत इजी है यहाँ पे। अच्छा तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप ऐसे बिजनेस ओपन कर सकते हैं जैसे भाईजान ने ओपन करके रखा है तो बहुत ही अच्छी शॉप है भाईजान की जैसे आपने व्यू में देखी व्यू की स्टार्टिंग में। तो आज के लिए आई गेस शाकिब भाई इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने पहली बात तो एग्री किया कि चलो वीडियो बना लेते हैं और इतनी सारी चीजें जो बहुत डिटेल्ड एक्सपीरियंस्ड बंदा ही शेयर कर सकता था वो आपने शेयर करी तो शाकिब भाई को थैंक यू जरूर कहिएगा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अगर स्पेन आना चाहते हैं तो रिसर्च अच्छे से करें लैंग्वेज का थोड़ा यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहता है और उसके बाद आप आ सकते हैं। तो आज के लिए भाईजान इतना ही और अच्छा लगा आप लोगों से बात करके तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर चलो हाफिज़।